वर्चुअल क्लास के बाद वर्चुअल पिकनिक। जी हाँ, स्कूल बंद होने के कारण बच्चे पिकनिक को बिल्कुल भूल गए थे और इसको लेते हुए कई स्कूलों ने वर्चुअल पिकनिक का एक अनोखा प्रयास किया है। इस वर्चुअल पिकनिक को बच्चों ने खूब एंजॉय भी किया। कोरोना काल में जिंदगी जीने के न जाने कितने तरीके बदल गए, जिनमें से एक है बच्चों के लिए पिकनिक पर जाना। जिस तरह स्कूलों में पढ़ाई के लिए वर्चुअल क्लासेस शुरू की गई, उसी तरह पढ़ाई से बोर हो रहे बच्चों के लिए वर्चुअल पिकनिक की शुरुआत की गई। इन बच्चों को देखिए, इनके पास पिकनिक के सभी सामान के साथ सैनिटाइजर और मास्क भी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए वर्चुअल पिकनिक का एक अनोखा प्रयास शुरू किया गया, जिसमें स्कूल के टीचर्स बच्चों को वर्चुअल तरीके से मोबाइल पर जू दिखाने ले गए, जहां मोबाइल पर वर्चुअल तरीके से ही जू में रहने वाले सभी जानवरों को दिखाया गया। साथ ही उन जानवरों के बारे में बच्चों को जानकारी भी दी गई। इस दौरान टीचर्स ने बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती और डांस किया। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आपने मिस किया जो पहले पिकनिक पे आप जाते थे? हाँ, बहुत मिस किया। आज पिकनिक में क्या क्या हुआ? आज पिकनिक में बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैम डांस करवाई ये सब। जो भी घूमने गए थे आप? या कौन सा एनिमल आपको अच्छा लगा? मुझे लगा जिराफ। अच्छा, और क्या क्या खाया आपने? मैंने खाया जूस, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, बस इतना ही खाया। यान वर्चुअल पिकनिक एंजॉय किया आपने? बहुत किया। अच्छा, क्या क्या खाया? मैं वहाँ पे जूस पिया, चिप्स खाया और चिपिता ही खाया। और कौन कौन सा जानवर देखा? मैंने देखा ना टाइगर। हाँ, टाइगर देखा। हाँ, टाइगर देखा। और डांस भी किया? हाँ, डांस भी किया। भले ही ये बच्चे अपने दोस्तों से मिलना, पिकनिक पर जाकर खूब शैतानी करना मिस कर रहे हों, लेकिन स्कूल द्वारा बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। इसकी वजह से पिकनिक पर जाने वाले सभी बच्चे बेहद खुश नजर आए। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट।